नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया आयुष्मान कार्ड 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पखवारा मनाया जाना है, जिसमें 10 शासकीय चिकित्सालय एवं 6 निजी चिकित्सालय संबद्ध, जिसमें नवाब चैरिटी हॉस्पिटल तिलवारा एवं कमला नर्सिंग होम अतर्रा, बांदा जनपद के अवनी परिधि और विक्रम चाइल्ड केयर एवं सारस्वत मेडिकल केयर एवं अक्षत नर्सिंग होम योजना से जुड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और यह कार्ड निशुल्क बनाए जाएंगे। बांदा से पुरुषोत्तम। सर, आज किस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई? ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड बनते थे वो स्मार्ट कार्ड के नाम से जाने जाएंगे, यही बताने के लिए और अब तक इसके संबंध में क्या क्या रहेगी, इसलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी। अभी कितना बना है, अभी कितना लक्ष्य शासन का बनाने का? सर, हमारे यहाँ बांदा डिस्ट्रिक्ट में 6,92,580 कार्ड बनने का लक्ष्य था, इसमें कुल 1,38,516 परिवार चिन्हित थे और अब तक 6,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। कितने बनाए जा चुके हैं? 1,61,000। और लक्ष्य क्या है, कहाँ कहाँ ये कार्ड बनेंगे? 6,92,580 लक्ष्य था और 1,61,000 कार्ड बनाए चुके हैं, जा चुके हैं। अभी कोई भी ऐसा परिवार नहीं छूटा है जिसमें एक भी कार्ड ना बना हो, सारे परिवार में कुछ न कुछ कार्ड बन गए हैं। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे ये? सभी लोगों के बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे ये कार्ड? बनाए जाते हैं हमारे हर, जैसे ये स्वास्थ्य आरोग्य मेला चलेगा उसमें भी बनेगा, हर PHC CHC में बनाया जाता है, जिला अस्पताल में भी बनाया जाता है और जहाँ जहाँ ये सुविधा दी जाती है आरोग्य की, वहाँ भी आरोग्य मित्र होते हैं, वो कार्ड बनाते हैं। इससे मरीजों को क्या लाभ होगा? इससे मरीजों को 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अगर मरीज कोई भर्ती होता है उस पर जो भी कॉस्ट आता है हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो उसकी पूरी खर्च सरकार। जैसे प्राइवेट संचालक कह देते हैं कि प्राइवेट जो अपना अस्पताल है वो कह देते हैं कि हम इसमें नहीं भर्ती करेंगे, उनको कुछ पेमेंट से समस्या आती है, ऐसा कहते हैं तो हम उनको डी इम्पैनल कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, उनको ऐसा कहने का कोई राइट नहीं है। अगर वो अस्पताल इम्पैनल्ड है, हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड है आयुष्मान के लिए, तो उसको भर्ती करना ही है। अगर ऐसा कोई कहता है तो उसकी शिकायतें हमारे पास आएगी, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के